हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्विट वर्क वीजा के लिए काम का मेडिकल एंड स्टैंपिंग का जरूरत है या नहीं, ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केसेस आ चुका है जहां पे एजेंट लोगों ने बोला कि काम का मेडिकल का कोई जरूरत नहीं है, बिना काम का मेडिकल का वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके साथ कोई धोखा ना कर सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, क्विट वर्क वीजा, अगर आप क्वेट में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। क्वेट का जो वर्क वीजा है ये ओपन है। अगर आप क्वेट में काम के लिए आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन क्वेट का जो फैमिली विजिट वीजा है एंड विजिट वीजा है, इसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अभी हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक पे, क्वेट में आने के लिए काम का मेडिकल एंड स्टैंपिंग का जरूरत है या नहीं। ये आप लोगों के लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केसेस ऑलरेडी मेरे पास आ चुका जहां पे एजेंट लोगों के थ्रू बोला गया कि विदाउट काम का मेडिकल आप क्वेट जा सकते हैं एंड पैसा ले लिया गया। तो ये बात आप लोग अगर जान ले, आपके साथ धोखा होने से आप बच सकते हैं। तो गाइस, क्वेट का जो वर्क वीजा है, जब भी क्वेट का कोई वर्क वीजा मिलता है उसके बाद आपको सबसे पहले काम का मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वीजा लेके काम का मेडिकल में जाना है। बिना वीजा का आप काम का मेडिकल नहीं कर सकते हैं। जो टेस्ट मेडिकल आपसे कराया जाता है, जो एजेंट लोग आपको मेडिकल करवाते हैं, जो आपका जो एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जो टेस्ट मेडिकल है वो अलग है। क्वेट का जो वर्क वीजा के लिए जो मेडिकल है उसे काम का मेडिकल कहते हैं, वो अलग है टोटली। टेस्ट मेडिकल एंड काम का मेडिकल में बहुत डिफरेंसेस है। टेस्ट मेडिकल आप बस इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। टेस्ट मेडिकल करके आप क्वेट नहीं आ सकते हैं, आपको काम का मेडिकल करना पड़ेगा। इसमें आपका सेम मेडिकल होगा, एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा, लेकिन वो ऑनलाइन फॉर्मेट में रहेगा। उसमें आपको जो रिपोर्ट मिलेगा वो पूरा डिटेल्स आपका ऑनलाइन में फिट दिखाएगा। उसके बाद आपका वीजा में स्टाम्प लगाया दिया जाएगा फिट, ताकि जब भी आपका वीजा स्टाम्पिंग के लिए जाए, वहां पे जाने के बाद वो लोग देख सकते हैं कि आपका वीजा में फिट स्टाम्प है, आप मेडिकल कर चुके हैं ऑलरेडी। विदाउट गम का मेडिकल आप क्वेट नहीं आ सकते हैं। ऑल्सो क्वेट आने के बाद और एक बार मेडिकल होता है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा जाता है आप इंडिया में जहां पे आप मेडिकल किया है वो रिपोर्ट आपका ऑनलाइन में फिट शो हो रहा है या नहीं, ये यहाँ पे देखा जाता है। अगर वहां पे फिट रिपोर्ट नहीं शो हो रहा है तो आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा इंडिया। विदाउट दैट रिपोर्ट आप इधर क्वेट में मेडिकल नहीं कर सकते हैं, आपका रिपोर्ट ऑनलाइन में शो होना पड़ेगा। इवन आपका वीजा में फिट स्टाम्प है लेकिन ऑनलाइन में नहीं है तो आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मैसेज आते हैं रोज, जहाँ पे एजेंट लोग ने पैसा ऑलरेडी ले लिया है एंड ये बोल रहे हैं कि मेडिकल जो टेस्ट मेडिकल किया है इससे आप क्वेट जा सकते हैं, आपको गम का मेडिकल का कोई जरूरत नहीं है। इवन एक भाई को तो ऐसा बोला गया कि उसका वीजा ऑलरेडी स्टाम्पिंग में है, उसका पासपोर्ट स्टाम्पिंग में है ऑलरेडी। मैंने जब भाई को पूछा, तुमने गम का मेडिकल किया, कोई अपॉइंटमेंट लेके वीजा लेके जाके मेडिकल किया? उसने बोला, मैंने अभी तक वीजा देखा ही नहीं, मेरा जो वीजा है मैंने देखा ही नहीं, मैंने बस टेस्ट मेडिकल किया था, मेरा एजेंट ने बोला कि ऑलरेडी पासपोर्ट स्टम्पिंग में चला गया है, स्टम्पिंग होने के बाद मेरा टिकट कट देगा, मैं क्वेट चला जाऊंगा। तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, वर्क वीजा में विदाउट गम का मेडिकल आप क्वेट में नहीं आ सकते हैं। अगर आपका एजेंट आपको ऐसा बोल रहा है तो आप सोच लीजिए वो आपको धोखा देने वाला है, इसलिए पहले ही आप सेव हो जाए। हर बार वीडियो में आप लोगों को क्यों ये सब बताता हूँ, क्योंकि मेरे को हर रोज मैसेज मिलता है इन टॉपिक में, मेरे को हर रोज मैसेज मिलता है। तो आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है आप भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपका भी एजेंट ने बोला होगा कि आप बिना मेडिकल का जो टेस्ट मेडिकल है वो टेस्ट मेडिकल करके क्वेट जा सकते हैं, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। एंड ऑल्सो गाइस, स्टाम्पिंग बहुत ही जरूरी है, विदाउट स्टाम्पिंग आप क्वेट नहीं आ सकते हैं। स्टाम्पिंग करा के ही आपको क्वेट में आना पड़ेगा। अगर आप वर्क वीजा में आ रहे हो, क्वेट में वर्क वीजा में एंट्री करना है तो आपको स्टाम्पिंग करना पड़ेगा। विदाउट स्टाम्पिंग आप क्वेट में एंट्री नहीं कर सकते हैं, आपको स्टाम्पिंग करना ही पड़ेगा। स्टाम्पिंग करा के आपको आना पड़ेगा। अगर आपका ECR पासपोर्ट है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तब आपको इमिग्रेशन भी कराना पड़ेगा।
विदाउट इमिग्रेशन भी आप नहीं आ सकते हैं। इमिग्रेशन आपको करा के, इमिग्रेशन कराने के बाद आपको आना पड़ेगा कुवैत में। कुवैत में एंट्री करने का बहुत प्रोसेस है। सबसे पहले आपको गमका मेडिकल करना है, उसके बाद स्टाम्पिंग कराना है, अगर आपका ECR पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन कराना है, उसके बाद टिकट लेके आपको कुवैत में एंट्री करना है। ये वर्क वीजा का प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी एजेंट बोल रहा है कि आप जो टेस्ट मेडिकल किया है उससे आप कुवैत आ जाओगे, तो भाई वो आपको धोखा दे रहा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप टेस्ट मेडिकल करके आप कुवैत आ जाओ, वो भी वर्क वीजा में आप नहीं आ सकते, वो आपको धोखा देने वाला है। ये बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बिना गमका मेडिकल का आप कुवैत में एंट्री नहीं कर सकते हैं वर्क वीजा। तो गाइज, इस रिलेटेड मुझे बहुत सारा मैसेज मिलता है इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं ये बात। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कॉमेंट में जरूर बताइए आपका एजेंट भी आपको ऐसा बोल रहा है या नहीं। एंड अगर आप लोगों को मेरे साथ बात करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।